लेकर सूर्यास्त तक आपको इस मंत्र का उच्चारण अपने मन में करते रहना है। और इलायची का जो मैंने आपको बताया, एक इलायची आपको अपने मुंह में रखनी है। आपको इलायची खानी नहीं है, सिर्फ मुंह में रखनी है। जब भी आप खाना खा रही होंगी या पानी पी रही होंगी, इलायची को निकाल लीजिए और कहीं अच्छे से साफ सुथरी जगह पर रख दीजिए। फिर बाद में उसको वापस आपको अपने मुंह के अंदर रख लेना है। शाम के समय जब आपके पति या आपके प्रेमी जब भी आपसे मिल रहे हो, आपको उस इलायची को खोलना है और उसके अंदर जो दाने होते हैं उन दानों को कूट कर आपको उन्हें खिला देना है। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपके पति आपके वश में होंगे। जी हाँ, आप उनसे जो भी कहेंगी वो करने के लिए तैयार होंगे। जितना प्यार आप अपने पति से करती हैं, उतना ही प्यार आपके पति भी आपसे करने लग जाएंगे। तो आप इस उपाय को कीजिए दोस्तों। अगर आपके सवाल है, आपके मन में कोई भी डाउट है, तो आप हमारा कॉल कीजिए हमारे नंबर पर। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि ये उपाय हम आपके लिए करें, तो भी आप हमें कॉल कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है वशीकरण के हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी प्रेमिका आपके पास दौड़ती हुई चली आएगी, भागती हुई आपके पास आएगी और आपके प्यार में तड़पने लग जाएगी। जी हाँ, ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिससे कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास रहती हो या आपसे बहुत दूर रहती हो। कितनी भी दूर रहती हो, लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपके वश में होगी। जी हाँ, तो इसको करने का क्या उपाय है, आइए मैं आपको बताती हूँ। हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको अपनी थाई पे यानी कि अपनी जांघ पर उस महिला का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। अच्छे से साफ साफ शब्दों में आपको उस महिला का या उस लड़की का नाम लिखना है अपनी जांघ पर, और उसके बाद एक मंत्र का उच्चारण करना है। सही तरीके से आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वो महिला आपके वश में होगी, चाहे आपकी